सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। गाइस, सबसे पहले ए बिग सॉरी आपको यार कि मैं काफी समय से वीडियो नहीं बना पाया। मैं अब अवेलेबल नहीं था गाइस वीडियो बनाने के लिए। गाइस मुझे बहुत कुछ काम थे, तो गाइस सबसे पहले आपसे मैं बिग सॉरी मांगता हूँ गाइस। और दोस्तों, ये वीडियो जो रहेगी वीडियो रहेगी ऑफिशियली ऑफिशियली अमेंडमेंट आ रखा है सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए। जैसे कि आपको पता है, जो कि ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल जो पोस्ट निकलती है, ट्रेड्समैन कैटेगरी की जो पोस्ट निकलती है, उसके बारे में अमेंडमेंट जारी कर दिया गया है सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट को 25 जून को ही। दोस्तों, ये अमेंडमेंट जारी कर दिया था, लेकिन दोस्तों मैं इसके अच्छे से छानबीन इसकी खोजबीन कर रहा था दोस्तों, तो मुझे जो जो पता चला है इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। और अमेंडमेंट आने का दोस्तों मेन मोटिव ये होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि इस साल क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं भर्ती में। दोस्तों, भर्ती तो आएगी 101% आएगी, इसलिए अमेंडमेंट भी इसी साल आया है, ठीक है। वो हमें नहीं पता कि भर्ती किस महीने आएगी, लेकिन दोस्तों अमेंडमेंट आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि भर्ती अवश्य ही आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट दोस्तों मैं बताता हूँ, रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ आरआर लेवल इन पे मैट्रिक्स इन एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल सीआरपीएफ पोस्ट जनरल ड्यूटी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन कैडरी 2014। तो गाइस उन्होंने कह दिया है कि अमेंडमेंट जारी कर दिया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूं कि अमेंडमेंट में क्या क्या मेन मेन चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं दोस्तों, ठीक है। मेन मेन चीजें उन्होंने क्या हाईलाइट कर रखी हैं, तो गाइस थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूं दोस्तों, तो आपको बता देता हूं। ये देखिए, जो इसका ट्रेड्समैन का जो पे लेवल है, पे लेवल को कर दिया गया है लेवल 6 में, जो कि 35,400 से लेकर 112,400 तक रहेगी। हाइस्ट रहती है 112,400, डिपेंड करता है कि आपको कौन से एरिया में भेजा गया। अगर आपको मिल्टेंसी एरिया में भेजा गया तो आपकी सैलरी ज्यादा होती है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में भेजा गया तो आपकी सैलरी ज्यादा होती है, डिपेंड करता है, 40% ज्यादा रहती है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बात करता हूं कि इसमें इस साल क्या क्या चेंजेस किए गए दोस्तों, ठीक है। एज पर दोस्तों फुल ऑफिशियल अमेंडमेंट नोटिस दोस्तों उन्होंने कह दिया है कि वाटर कैरियर, कुक, सफाई वाला, इन तीन ट्रेड्स को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेड्स है सभी में आपकी आईटीआई अनिवार्य कर दी गई है। चाहे वो दोस्तों कोबलर हो, ठीक है, चाहे वो आपका माली हो, गार्डनर हो, ठीक है, इन सभी में दोस्तों आपकी जो आईटीआई है कर दी गई है। या फिर अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में काम का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो उस स्टेट काउंसिल से या फिर उस होटल से या उस जगह से जहां से आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। पूरी के पूरी दोस्तों वेरीफाइड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बात रहती दोस्तों कि इसकी वैकेंसी कब आएगी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल की। तो गाइस एज पर हमारी दोस्तों जो बात चल रही है, जो इनसे इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में कोई ऐसा नोटिस निकलेगा दोस्तों जिसमें आपको सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के कैटेगरी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मुझे कोई पुख्ता सबूत वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के बारे में तो मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये अमेंडमेंट था जिसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस साल, और दोस्तों भर्ती जरूर आएगी क्योंकि अमेंडमेंट भी 25 जून को ही लॉन्च किया था, तो भर्ती आने के चांसेस हैं, 101% चांसेस हैं इस भर्ती के आने के दोस्तों, ठीक है। और भर्ती भी आपको पता बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकलती है, सबसे ज्यादा वाटर कैरियर, कुक की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। दोस्तों स्टैंडिंग ऑर्डर है और ये अमेंडमेंट जारी किया हुआ है, ठीक है। ब्रांच पीएनसी सेल से, इंटर ऑफिस से आ रखा है, दिल्ली से आ रखा है दोस्तों ये, ठीक है। 25 जून को ही इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर दिया था दोस्तों, तो मैं इसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले रहा था, इसके बारे में पता कर रहा था कि अमेंडमेंट में क्या होता है, क्या लिखा होता है। उसके बिहाफ पे दोस्तों मैंने आपको आज वीडियो बनाई है कि घबराए नहीं, बहुत ही जल्द इसकी वैकेंसी आएगी। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जैसे ही आता है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। और बाकी दोस्तों जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी अदर मेरे जो भाई बहन है, जितने भी कोई और चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल के अलावा, और वो आपको पता दोस्तों आजकल यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहे हैं लोग। मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लेकिन आप भी समझदार हो और आप भी समझते हो कि झूठ कैसे बोलते हैं वो, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे लेकिन दोस्तों वो नोटिफिकेशन का लिंक नहीं देंगे आपको, क्योंकि पहली बात तो वैकेंसी निकली ही नहीं होती है जो वो जिस वैकेंसी के बारे में बात की होती है। अभी एक दोस्तों मुझे जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मेरे किसी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था कि 1284 वैकेंसी निकली है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है,
कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। जो पुरानी वैकेंसी दोस्तों बहुत चल रही है, उसके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, जम्मू रीजन का, सतवारी रीजन का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप वो चेक कर सकते हो। बाकी दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी निकलती है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आती है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको हम बता सकते हैं। बाकी इस भर्ती की बात रही तो जैसे नोटिफिकेशन आता है जो मैं जरूर आपके माध्यम से, जरूर इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक दोस्तों मेरे को इजाजत दें और इस वीडियो के ऊपर हम एम करते हैं 200 लाइक का, जो हमें पता आप दिल से पूरा कर दोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद एंड जय भारत।